वोडाफोन आइडिया के द्वारा एक ऐसा रिचार्ज प्लान लेके आया गया है जिसका टक्कर देने वाला कोई भी प्लान मौजूद नहीं है, ना कि जियो के पास, ना ही एयरटेल के पास और ना ही बीएसएनएल के पास। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएनएल बहुत सस्ते प्लान लेके आता है, उसके बाद भी बीएसएनएल उस प्लान को टक्कर नहीं दे सकता है। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक प्लान लॉन्च किया गया है 997 रुपए का और वैलिडिटी इसकी होने वाली है 180 दिन। तो क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि मैं आपको कह रहा हूं किसी भी कंपनी के पास इसका टक्कर नहीं है? तो इस वीडियो को पूरा जानने के लिए आगे देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि वोडाफोन आइडिया के बारे में आप लोगों को मालूम है कि सीईओ के द्वारा वोडाफोन आइडिया के पहले बोला जा चुका है, साथ ही साथ कुमार मंगलम के द्वारा भी ये बात बोली गई है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है कंपनी को तो आने वाले टाइम के अंदर बंद होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसके कारण लगभग 3 करोड़ कस्टमर्स ने अपने नंबर्स को पोर्ट कर लिया। हालांकि इससे बड़ा कारण ये है कि वोडाफोन के अंदर आज की डेट में नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या आ गई है। तो आप लोग अगर इस बात से सहमति रखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या आप लोगों को पहले की अपेक्षा अभी वोडाफोन के अंदर जो नेटवर्क मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है या खराब मिल रहा है। तो वोडाफोन के द्वारा अपने जो कस्टमर्स बचे हुए हैं, जो कि सेकेंड नंबर पोजीशन बनाए हुए इंडिया के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उनको रोक के रखना चाहता है और उन लोगों को बेहतर सुविधा देना चाहता है। इसी के लिए 997 रुपए के प्लान में आपको दे रहा है 180 दिन की वैलिडिटी, 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से और 100 SMS पर डे। आज की तारीख में अगर आपको 84 डेज का रिचार्ज कराना है वोडाफोन के अंदर तो 599 का आपको पेमेंट करना पड़ता है, मतलब कि 160 डेज के लिए अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको लगभग 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर इसी प्लान को कंपेयर कीजिए 997 से तो आपको 300 रुपये का दो प्लान अगर रिचार्ज करते हैं तो उसके साथ बेनिफिट मिल जाने वाला है, मतलब कि 1300 रुपये के आसपास वो उस तरीके से, और इसमें आपको 1000 रुपये में आपको सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो वोडाफोन के इस प्लान का टक्कर अगर जियो में देखें तो 555 रुपए में आपको 84 डेज के लिए दिया जा रहा है, वहां पे भी नहीं है। साथ ही साथ एयरटेल के अंदर भी 598 का प्लान है, वहां पे भी नहीं है। आज के डेट में बीएसएनएल के पास भी इस तरीके का कोई प्लान नहीं है जो कि 180 डेज की वैलिडिटी 1.5 GB पर डे के हिसाब से दे और इतने सस्ते में दे। आपको यह भी मालूम होगा कि 1499 रुपए का प्लान वोडाफोन का पहले चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 24 GB डाटा दिया जाता है और उसकी वैलिडिटी 365 दिन हो जाती है, लेकिन सबके अंदर आपको कॉलिंग जो दिया जाता है वो अनलिमिटेड दिया जाता है। तो इसके अलावा जो वोडाफोन अगला प्लान लेके आता है वो 1499 का लेके आता है, जिसके अंदर आपको 2 GB पर मंथ के हिसाब से डेटा दिया जाता है और 24 GB डेटा दिया जाता है 12 महीने के लिए। वहीं पे अगर आप 365 दिन के प्लान का 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा लेना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से बात की जाए, इस प्लान को अगर आप डबल अमाउंट से रिचार्ज कर देते हैं, लगभग 2 बार रिचार्ज करते हैं, तो आपको 400 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से वोडाफोन आइडिया एयरटेल से, जियो से, बीएसएनएल से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, रिचार्ज करना सस्ते रेट में क्या ये समाधान है किसी भी चीज़ का? तो मेरे हिसाब से नहीं। अगर वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क पर सुधार नहीं करता है, अपने नेटवर्क पर काम नहीं करता, अपने स्पीड को सही नहीं करता, अपने सर्विस सेंटर पर काम नहीं करता है, लोग इस तरीके के लुभावने रिचार्ज को करा के फंसने वाले नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया को सबसे पहले अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए और उसके बाद अपने रिचार्ज को लुक्रेटिव बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है इस प्लान से, अगर वो वोडाफोन आइडिया को पसंद करते हैं तो। तो वोडाफोन के इन प्रीपेड प्लान्स के साथ आपको वोडाफोन प्ले की भी सर्विस मिलने वाली है। तो आप लोग अगर वोडाफोन के साथ बने रहना चाहते हैं तो ये रिचार्ज करा सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म रिचार्ज है तो आपको बेनिफिट जरूर हो रहा है, कुछ पैसे का, साथ ही साथ आपको डेटा का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अगर वोडाफोन कस्टमर्स को जानते हैं तो, और कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने का चैनल को कि आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तभी सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।